होंगे। ये वोट कास्ट करने के लिए धनंजय सिंह आए हैं जदयू से। इस बार धनंजय सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मलिनी सीट अपने आप में देखिए हॉट हो जाती है जब धनंजय सिंह जदयू से यहां पर वोट कास्ट करते हुए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए वोट कास्ट करने के लिए सीधे बॉक्स में एंटर धनंजय सिंह। थोड़ी देर में तस्वीरें आपको वो भी दिखाएंगे जब वोट कास्ट करके धनंजय सिंह बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मतदान का आज दिन है और इस दिन को बखूबी वो भी समझते हैं। अपनी जीत यहाँ पर पाने के लिए वो लगातार प्रचार करते रहे और लगातार आक्रामक होते रहे। सपा से सीधी टक्कर उनकी रही उपचुनाव में भी और इसी के साथ 2017 के चुनाव में भी। अभी देखिए उन्होंने अपना, धनंजय सिंह ने अपना वोट कास्ट किया है, पूर्वांचल के बाहुबली हैं ये। और इसी के साथ अगर इनका हम जीत का आंकड़ा देखें तो 2009 में धनंजय सिंह आखिरी बार जीते थे, तब से लेकर अभी तक वो लगातार जीत की दरकार में है। और लगातार तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं आज धनंजय सिंह को, आपने तस्वीरों में देखा गौ सेवा। और ये शिवांगी नीलकंठ तिवारी, हाँ, देखिए आपको दिख रहे हैं मंत्री साहब बीजेपी के। और जो इस बार आपको चुनावी मैदान में भी दिख रहे हैं बनारस से, गाय माता को देखिए आशीर्वाद लेते हुए, उनको गुड़ खिलाते हुए, मीठा खिलाते हुए देखिए। और वो ये गाड़ी में बैठते हुए और धनंजय सिंह के साथ साथ, आपको कैसा लग रहा है सबसे बड़ी बात? वोट डालना लोकतंत्र का पर्व है ये, और देश के सबसे बड़े राज्य में सरकार बनाने के लिए वोटिंग की जा रही है और लास्ट फेज का मतदान है। आज मतदान समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर लोग अति उत्साह में मतदान कर रहे हैं अधिक से अधिक। और आपके माध्यम से हम अपील करेंगे कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से और अधिक से अधिक मतदान करें। सर, इस बार यूपी में स्पेशली देखा गया कि ईच एंड एवरी फेज में वुमेन वोटर्स का टर्नअप बहुत अच्छे रहे हैं, वुमेन वोटर्स बाहर आ रहे हैं और आके वोट कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वुमेन वोटर हमेशा टर्नअप अच्छा रहा है और हमारे अपनी पर्टिकुलर हम अपने जौनपुर में भी देखते हैं, मलनी में देखते हैं, लास्ट टाइम भी वुमेन टर्नअप अच्छा रहा। वेमेन और मेल में 10% का अंतर था, तो ज़्यादा करके होता क्या, हमारे यहाँ जो माइग्रेशन है, जो लोग जाके बाहर सर्विसेज में हैं या नौकरियाँ करने गए, उनकी पत्नियाँ महिलाएँ घर ही पे रहती हैं और पुरुष कम हैं, तो इसकी वजह से महिलाओं का टर्नअप भी एक ज़्यादा रहता है, खासतौर से हमारे यहाँ ईस्टर्न यूपी इस तरफ। सर, आखिरी सवाल सर, जैसे कि अगर आप जीत जाते हैं तो यहाँ के लोग सबसे पहले क्या क्या, कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं आपके साथ? लोकल बहुत इश्यू, ड्रिंकिंग वाटर की यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स से बहुत रोड्स बहुत खराब हैं यहाँ पे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ कर, हेल्थ को लेके बहुत डिटोरेशन हुआ है, तो बहुत सी चीज़ों को सुधार, जो लोकल इशूज़ हैं यहाँ पे, चुनाव लोकल इशूज़ पे ही हैं, कोई नेशनल इशू या स्टेट इशूज़ नहीं है, तो यहाँ के लोगों को सुविधा चाहिए और सबसे बड़ा एक जो यहाँ पे लोगों को सुरक्षा और सम्मान चाहिए। यहाँ पे आरजक वातावरण बना रखा था एक दल विशेष के लोगों ने, उससे भी लोग निजात पाना चाहते हैं हमारे यहाँ के लोग। मैम, पूर्व सांसद और मलनी से जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद वो बाहर निकले, उनसे See, I think basically last 10 years there was no development here and people are suffering a lot in certain you know issues like how my husband was saying about water, roads and about electricity and health and with corona too. So all of them feel that now they need a change for Malni and they've seen his work before too, before 10 years also whenever he was a member of parliament and when he was MLA too, and he always stands for all the you know needy people and उनका जो सुख दुख में साथ देते हैं। सो दिस टाइम आई थिंक एवरीबॉडी इज एक संकल्प लिए है कि यू नो दे वांट टू गेट अ बेटर नेता, बेटर यू नो विधायक, सो दैट ही कैन यू नो हेल्प देम आउट इन। सो मैम, माय लास्ट क्वेश्चन दैट व्हाट यू वांट टू से टू द वुमेन वोटर्स हु आर स्टिल नॉट कमिंग एंड शोइंग अप फॉर द वोट्स? नो, आई एम श्योर ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू कम बिकॉज़ आई व्हेन आई बीन कैंपेनिंग एवरीबॉडी हैज सीन प्रोबब्ली यू नो दे आर जस्ट यू नो देयर हाउस वर्क्स एंड ऑल, बट I have no doubt they're all going to come in, definitely. Yes, I'm very confident they're going to come and vote. Thank you so much. Thank you very much. पूरे तरीके से आश्वस्त अखिलेश यादव का देखिए ट्वीट है ये, श्रुति
बोला है चैनल को यहाँ पर।